प्रचार के लिए अक्सर जाते रहे हैं। राजस्थान में अलवर के सांसद बालकनाथ को बीजेपी राजस्थान में हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर प्रमोट कर रहे हैं। उन्हें विधानसभा चुनाव में तिजारा में उतारा गया और यही वजह है कि सीएम योगी को मुस्लिम बहुल माने जाने वाले राजस्थान के मेवात इलाके में चुनाव प्रचार के लिए उतारकर हिंदुत्व का एजेंडा सेट करने की रणनीति बनाई है। योगी की डिमांड चुनाव में दूसरे राज्यों में काफी ज्यादा है। राजस्थान में सत्ता में वापसी के लिए बेताब बीजेपी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और पार्टी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ को प्रचार में उतारा है। योगी आदित्यनाथ तिजारा से नामांकन करने जा रहे बाबा बालकनाथ के चुनावी अभियान में शामिल हुए। अलवर से सांसद बाबा बालकनाथ को पार्टी ने तिजारा से उतारा है। योगी आदित्यनाथ ने मंच से गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में आज गौ माता सुरक्षित हैं, गौवंश सुरक्षित हैं, क्योंकि सरकार ने उनके लिए काम किया है। राजस्थान में गायें इसलिए खत्म हो रही हैं क्योंकि सरकार में उन्हें बचाने की मंशा ही नहीं थी। और प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी है, लंपी डिजीज से उत्तर प्रदेश में गौवंश को नुकसान नहीं, एक एक गौ माता को सर्वे देवा स्थिता दे है, सर्वदेव मही को सभी देवी देवताओं का निवास इस गौ माता में हमने माना, उस गौ माता को बीमारी से भी बचाया और भूचणों से भी बचाने का काम प्रभावी ढंग से हम कर सकते हैं। राजस्थान में आप क्यों विफल हो गए, क्यों विफल हो गए? कारण है गौ माता के प्रति आप लोगों की निष्ठा नहीं थी। योगी आदित्यनाथ ने यूपी में कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए कहा कि राजस्थान में संतों के आश्रम पर बुलडोजर चलता है, लेकिन यूपी में संतों को कोई टेढ़ी नजर से नहीं देख सकता। परंपरा को कांग्रेस अपनी प्रकृति के अनुरूप कलंकित करने में कोई कोर कसर नहीं, और किसी दलित की जमीन पर या उसकी किसी भी अन्य संपदा पर कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। अगर करेगा तो पीछे से बुलडोजर उसको रौंद करके ठीक कर देगा। किसी संत की तरफ टेढ़ी नजर से कोई गुंडा नहीं देख सकता। बेटी को सुरक्षा है तो पूज्य संतों का सम्मान भी है। भाइयों बहनों, तालिबान का उपचार तो बजरंग बली की गदा ही है। देख रहे हैं ना, इस समय गाजा में इसराइल तालिबानी मानसिकता को कैसे कुचलने का काम कर रहा है, सटीक एकदम निशाना मार मार करके। बाबा बालकनाथ को राजस्थान का योगी आदित्यनाथ कहा जाता है। वो भी योगी की तरह ही भगवा पहनते हैं, हिंदुत्व की बातें करते हैं। योगी आदित्यनाथ और बाबा बालकनाथ एक ही संप्रदाय से आते हैं। योगी गोरखनाथ पीठ के महंत हैं, तो बाबा बालकनाथ रोहतक स्थित मस्तकनाथ मठ के 8वें महंत हैं। नाथ संप्रदाय से जुड़े होने के चलते दोनों नेताओं के बीच काफी करीबी रिश्ते हैं और अलवर से अपने इस रिश्ते का जिक्र भी योगी ने मंच से किया है। अलवर से तो हम लोगों का बहुत नजदीक का रिश्ता है। योगीराज बाबा, योगीराज राजा पृथ्वी जी ने अपनी साधना करके सिद्धि प्राप्त करके ये मान्यता है, इस क्षेत्र में वे आज भी किसी न किसी रूप में अपना दर्शन देते हैं और इसीलिए राजा भर्तरी जी के प्रति जो श्रद्धा और जो विश्वास का भाव इस क्षेत्र में देखने को मिलता है वह केवल वैसे ही नहीं हमारी विरासत का प्रतीक है। राजस्थान की सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी हर दांव चल रही है। अलवर के सांसद बाबा बालकनाथ के तिजारा विधानसभा में उतरने से
तिजारा विधानसभा सीट प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों में गिनी जा रही है, जहां से बालकनाथ के खिलाफ कांग्रेस ने इमरान खान को उतारा है। अलवर का इलाका राजस्थान के मेवात में आता है, जो मुस्लिम बहुल माना जाता है। ऐसे में तिजारा सीट से बाबा बालकनाथ को चुनावी मैदान में उतारना और अब सीएम योगी को उनके नामांकन में भेजने के सियासी मायने बिल्कुल साफ है। टीम न्यूज स्टेट। और चलिए बताते हैं आपको, राजस्थान की रण में योगी आदित्यनाथ उतरे तो कितना फायदा। दरअसल चुनाव प्रचार के लिए अलवर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां तिजारा की चुनावी रैली में उन्होंने चुनाव प्रचार किया। इसके अलावा तिजारा से बीजेपी प्रत्याशी हैं बाबा बालकनाथ, अलवर से बीजेपी सांसद है बाबा बालकनाथ। योगी की तरह बाबा बालकनाथ भी नाथ संप्रदाय से हैं। योगी की तरह ही वो धारण करते हैं भगवा वस्त्र। रोहतक में मस्तकनाथ मठ के वो महंत हैं। योगी की तरह ही हिंदुत्व की बातें भी करते हैं और दूसरे प्रदेशों में योगी आदित्यनाथ की जो मांग है वो प्रचार के लिए बढ़ती जा रही है, ये देखा गया है।